हेलो दोस्तों, बीसलपुर टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीसलपुर में गड्ढा बना हादसे का सबब, बरसात में कई जगह टूटे मार्ग। जी हां दोस्तों, बीसलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर रही है। बीसलपुर बांध के करीब पवित्र दह किनारे तेज बरसात के चलते पड़े गड्ढे इन दिनों दुर्घटना का सबब बनने लगे हैं। यहाँ देवली से टोडा राइसिंग की ओर जाने वाले मार्ग सहित पवित्र दह किनारे काफी गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जो रात के अंधेरे में हादसे का सबब बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग में करीब पहाड़ी क्षेत्र से बह पानी के तेज प्रभाव को लेकर हुई मिट्टी के कटाव कण लगभग 20 फीट लंबा और 15 फीट गहरा एक खड्डा बन चुका है, जो गहरी खाई में बदल चुका है। ये खड्डा बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो दोस्तों इसकी वजह से हादसे होने का पूरा पूरा डर यहाँ पर हमेशा रहता है। जहाँ पास स्थित प्रसाद व चाय की दुकानें लगी हुई है, इसी प्रकार पवित्र दह किनारे कई जगह मार्ग कट चुका है। हालांकि ग्रामीणों ने गहरी खाई रूपी गड्ढों के पास हादसे की रोकथाम को लेकर कांटे भी लगा दिए हैं, ताकि यहां पर कोई हादसा ना हो। इसी प्रकार बीसलपुर क्षेत्र में कई जगहों पर पहाड़ी पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो कई जगहों पर बरसात के पानी से खिसकी चट्टाने हादसे का सबब बनी हुई है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर आए दिन गिरते पत्थरों से सड़क पर खड़े दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वहीं पर्यटकों पर गिरने का अंदेशा भी बना हुआ रहता है। दोस्तों, बंद के बाद भी नहीं रुक रहे श्रद्धालु। बीसलपुर बांध स्थल हुए पवित्र दह किनारे गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार को छुट्टी का दिन होने के साथ ही हरियाली अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उपखंड अधिकारी देवली की ओर से 5 दिन पूर्व ही मंदिर के दरवाजे बंद रखने के निर्देश हुए। मंदिर के मुख्य पट को बंद रखे गए, लेकिन दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा बंद मंदिर होने के कारण भी, जिन्होंने पवित्र दह में डुबकी लगाने के साथ ही मंदिर के दरवाजे पर मत्था टेक कर दुआ मांगी। भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बांध से 2 किलोमीटर दूर देवली सड़क मार्ग पर बीसलपुर चौकी व टोडा राइसिंग सड़क मार्ग पर स्थित रंगील मछली प्रदर्शनी केंद्र पर ही वाहनों की रोकथाम कर भीड़ पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिर भी प्रशासन के नुमाइंदे पर्यटक और श्रद्धालुओं की भीड़ को बांध व मंदिर स्थल तक जाने से नहीं रोक सके। बांध के गेट संख्या 1 और 2 पर जाम जैसे हालात रहे रविवार के दिन। तो दोस्तों, प्रशासन से हम भी गुहार करते हैं कि जो ये खड्डे बन गए हैं, साथ ही जो चट्टाने खिसक गई हैं बीसलपुर बांध पर, इनको सही किया जाए। साथ ही प्रशासन से गुहार करते हैं कि पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र है बीसलपुर बांध, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है। क्योंकि बीसलपुर बांध से राजस्थान के लगभग जयपुर, दौसा और टोंक जिले तक पानी की सप्लाई की जाती है पानी पीने की। तो दोस्तों, बीसलपुर बांध के जो आसपास ये गड्ढे हुए हैं, इनको जल्द जल्द प्रशासन ठीक करवाए। साथ ही दोस्तों, बीसलपुर की आपको ताज़ा रिपोर्ट बताते हैं कि उसमें कितना पानी है। जो दोस्तों हमें बीसलपुर की ताज़ा गेज की रिपोर्ट आई है, वो है 310.66 आरएल मीटर आज के अनुसार। और दोस्तों, त्रिवेणी जो नदी है लगातार 3.10 मीटर पर बह रही है। और दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं 315.50 आरएल मीटर कुल भराव क्षमता है बीसलपुर बांध की। तो आज के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 310.66 आरएल मीटर बीसलपुर बांध का गेज है, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।